दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। 2013 के अंदर केंद्र के अंदर भाजपा सरकार आई थी, और उससे पहले भाजपा सरकार ने ये ऐलान किया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तब हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, और इस हद तक कम कर देंगे कि जनता को आधी कीमत के अंदर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध मिलेगा। इस पूरे सिनेरियो को जिस समय चलाया गया था, जब जनता को गुमराह किया गया था, उस समय स्मृति ईरानी खुद थी। जब 55 रुपए का पेट्रोल था तब स्मृति ईरानी चिल्लाया करती थी कि पेट्रोल सस्ता करो सस्ता करो। अरुण स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने जो ये कहते थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पेट्रोल और डीजल के दाम आधे कर देंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर 50 रुपये डीजल है, पेट्रोल है, तो हम उसको 35 रुपये डीजल के हिसाब से 35 रुपये लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल दिया करेंगे। ये एक सिनेरियो इनका पूरा बना हुआ था और पब्लिक को इन्होंने गुमराह करा। इस सिनेरियो के अंदर बाबा रामदेव जी भी थे जिन्होंने खुद ने आज तक में आपके अदालत में खुद ने उन्होंने कहा था कि अगर बच्चों पेट्रोल अगर भाजपा सरकार आती है या केंद्र के अंदर सरकार बदलती है तो पेट्रोल की कीमत 35 रुपये या 40 रुपये मिलेगी। लेकिन 2013 से लेकर 2020 तक का समय आ गया, 2020 तक पेट्रोल की कीमत नियंत्रण बढ़ती आ रही है, कम नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि पिछले 8 दिन के अंदर बढ़ता बढ़ता पेट्रोल और डीजल की रेट सेम हो गई है। इसी बात को लेकर हम प्रदर्शन करने के लिए आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए यहाँ पर आए। प्रशासन की अटदर्मिता है कि प्रशासन अब हमारे को पिछला आदेश 24 तारीख का दिखाकर ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई एजिटेशन नहीं कर सकते, सरकार के विरुद्ध नहीं कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अचानक इन्होंने एक तुगलकी आदेश पारित कर दिया और जनता को बताया भी नहीं है। जबकि इस तरह का कोई भी आदेश पारित होता है या सरकार ने कोई आदेश निकाला है तो उसको सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। आज हम पुतला जलाने गए तो पुलिस प्रशासन ने हमें पुतला जलाने के लिए मना किया, एडीएम साहब से बात करने के लिए कहा। जब हम एडीएम साहब से बात करने के लिए गए तो एडीएम साहब ने कहा कि पुतला नहीं जला सकते, बाकी आप एजिटेशन कोई भी कर सकते हो। जब हमने आदेश दिखाने की बात कही तो उन्होंने हमें आदेश दिखाने से मना कर दिया। इसलिए आज इसी क्रम में पुतला न जलाया कर केवल एक पैम्पलेट्स दिखाकर एजिटेशन किया गया है, सरकार का विरोध किया गया। एडीएम साहब ने केवल इतना कहा कि जब हमने कहा कि ऐसा किसी तरह का कोई आदेश हो तो आप हमें आदेश दिखाएं या सार्वजनिक करें उस आदेश को कि जनता को पता लगे कि इस तरह का कोई आदेश सरकार ने पारित किया है कि कोई एजिटेशन करता है या विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एडीएम साहब ने वो आदेश दिखाया नहीं, मात्र ये कहा है कि हम पुतला या इस तरह की कोई कार्रवाई करोगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। चूँकि हम पुतला नहीं जला के आज ये एजिटेशन करके जा रहे हैं और ये पैम्पलेट्स दिखा के जा रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं इसको जिता के। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता।